तो फाइनली हम आ चुके हैं क्रिमेशन ग्राउंड में। यहाँ पर अलग अलग राजाओं महारानी अलग अलग राजा महारानी सबका यहाँ पे समाधि स्थल है, सबका यहाँ पे बनाया गया, सबके बारे में लिखा गया है। और अंदर आने का फीस मात्र 10 रुपये है। इसी तरह अलग अलग लोगों का क्रिमेशन यहाँ पे बनाया गया है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो बस यहाँ पर क्रिमेशन ही है। उधर भी आपको ले चलते हैं। अंदर आने का मतलब 10 रुपये का टिकट लगा था। और ये जो आपको दिख रहा है इसके बारे में लिखा है, ये श्री राज कुंवर जी धर्मपत्नी महाराजा श्री रतन सिंह जी, जन्म स्वर्गवास, जन्म का नहीं पता, स्वर्गवास 6 दिसंबर 1852। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी सिंह जी का है पुत्र महाराज श्री सूरत सिंह, स्वर्गवास 15 फरवरी 1853। ये सरदार सिंह जी का है, इनका जो जन्म था 13 सितंबर 1818 में हुआ और मृत्यु जो इनका स्वर्गवास हुआ 16 मई 1872। इधर आपको इस ग्राउंड के बाहर का व्यू है, क्रीमेशन वगैरह ही है, पता नहीं क्यों इसको इसके अंदर में नहीं लिया गया है। यह महाराज लाल सिंह स्वर्गवास 16 सितंबर 1887। इस तरह आपको अलग अलग राज परिवार के लोगों का क्रिमेशन ग्राउंड है, सबका नाम लिखा हुआ है, सबके बारे में कि कब इनका जन्म हुआ, जिनका जन्म का नहीं पता, फिर कब स्वर्गवास हुआ, ये सब बताया गया है, इसमें लिखा गया है सब। इधर इतना ही है, कुछ इधर है। यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, बीकानेर राज परिवार का विश्राम स्थल देवी कुंड सागर, इस डिटेल में यहाँ जानकारी दी गई है। दिस इज द क्रीमेशन ग्राउंड ऑफ बीकानेर रॉयल फैमिली, द थ्री इंक्लोजर सिचुएटेड अराउंड कल्याण सागर टैंक प्रोटेक्ट द क्षत्रिय सेनोटैप्स एंड अ नंबर ऑफ लेस प्रोमिनेंट मेमोरियल फॉर प्रिंसेस प्रिंस एंड प्रिंसेस। सो ऑन द ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्षत्रिय हेयर इज डैट ऑफ राव कल्याणमल जी एनो डोमनी 1539 to 1571, हु वॉज द फिफ्थ रूलर ऑफ बीकानेर। द क्षत्रिय सेनोटैप ऑफ अ मेल हैज अ वर्टिकल मेमोरियल स्लैब, वेयर एज डैट ऑफ अ फीमेल हैज फुट मार्क्स इनग्रेव्ड ऑन अ स्लैब। ए मेमोरियल इरेक्टेड फॉर अ माइनर इज कॉल्ड अ नदा एंड इट इज सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट अ कैनोपी। क्षत्रिय प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन राजपूत एज वेल एज इन मुस्लिम आर्ट हेयर। इन द क्षत्रिय ऑफ राजा राय सिंह एंड राजा सूर सिंह जी बिल्ड इन लोकल रेड सैंड स्टोन, द स्टाइल इज रिचर एंड मोर लीजेंट। द क्षत्रिय ऑफ राजा करण सिंह जी 1675 AD एंड महाराजा अनूप सिंह जी 1698 आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेनोटैप्स विथ आर्किटेक्चरल एग्जुबरेंस एंड
ऑर्नामेंटेशन इन क्लासिक मुगल टेस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर राजस्थान टूरिज्म। दीपकुंद सागर की छत्रियाँ यहाँ बीकानेर के शासक राव कल्याणमल से लेकर महाराजा करनी सिंह तक के राजाओं, रानियों तथा राज परिवार के सदस्य की स्मृति पर परक छत्रियाँ दो समूहों में निर्मित है। इनमें प्रारंभिक शासकों की छत्रियों में दुलमेरा का लाल पत्थर तथा बाद की छत्रियों में सफ़ेद संगमरमर पाषाण प्रयुक्त हुआ है। छतरियों में महाराजा अनूप सिंह की छतरी वास्तुशिल्प एवं तक्षकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 16 स्तंभों पर अवलंबित इस छतरी में कृष्ण लीला सहित लता पत्रों तथा मयूर आदि पक्षियों का सुंदर तक्षण हुआ है। छतरियों में चित्रांकन की परंपरा का प्रारंभ महाराजा रतन सिंह की छतरी से देखने को मिलता है। कुछ छतरियों को शिलाओं पर अभिलेख भी खुदे हुए हैं। तो अभी हम क्रीमेशन ग्राउंड से बाहर आ गए, अब यहाँ से चलेंगे जूनागढ़ फोर्ट की तरफ। मतलब यहाँ का जो व्यू है ना भाई, काफ़ी तगड़ा है। यहाँ भी हवा वगैरह चल रहा है एकदम, पेड़ पौधा और हवा काफ़ी सही भी है। यहाँ से फिर से ऑटो लेकर 30 या 40 रुपए देकर हमें जूनागढ़ फोर्ट की तरफ जाना होगा। तो यहाँ से अब हम चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट।